बद्री एंड बुद्धिराम बहुत अच्छे दोस्त है और बहुत ही शरारती भी है। एक बार बद्री को एक शरारत सूझती है। वो बुद्धिराम को भूतिया बंगलों के पास ले जाता है उसको डराने के लिए। दोनों वो बंगलों के अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ही अंधेरा होता है और कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा। वहाँ जाके बुद्धिराम बहुत ही डर जाता है। बद्री बोलता है, लगता है यहाँ तो सालों से किसी ने बिजली का बिल ही नहीं भरा। बुद्धिराम बद्री के पीछे पीछे जाता है क्योंकि उसे तो बहुत ही डर लग रहा है। तभी अचानक से बंगलों का डोर बंद हो जाता है। तभी बद्री एंड बुद्धिराम दोनों बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी आगे जाके उनको तीन दरवाजे दिखते हैं जहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन दरवाजे के पीछे उनके लिए परेशानियाँ वेट कर रही होती है। पहले दरवाजे के पीछे वैम्पायर है जो उनों का खून चूस जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे करंट है, करंट से तो कोई बच नहीं सकता। और तीसरे दरवाजे के पीछे एक खूंखार भूत है जिसे बुद्धिराम को बहुत ही डर लगता है। अब दोनों ही इस मुसीबत में फंस गए हैं। अब वो बंगलों से बाहर कैसे निकलेंगे? तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग सोच के बता सकते हो उनको यह कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए बाहर निकलने के लिए? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपने देखा था जब बद्री एंड बुद्धिराम बंगलों के अंदर आए थे तब बहुत ही अंधेरा था, मतलब वहाँ लाइट होने के चांसेस बहुत ही कम है। ऊपर से वहाँ कोई रहता भी नहीं, तो बिजली का बिल भी किसी ने भरा नहीं होगा, तो बिजली पहले से ही कटी हुई होंगी, मतलब दूसरे दरवाजे से करंट नहीं लगेगा। तो वो दोनों वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। कभी शरारत में आप कई बार ऐसी मुसीबत में फंस सकते हो, तो ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार बद्री चलते चलते जंगल की ओर चला जाता है। बहुत चलने के बाद उसे बहुत ही प्यास लगती है, लेकिन वापस घर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा और उसे बहुत ही जोरों से प्यास लगी है। तो उसे जंगल में ही अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी तो पीना ही पड़ेगा। उस टाइम पे बद्री के पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है। पहला, वो कैक्टस से पानी निकाल के पी ले। दूसरा, वो तालाब में से पानी पी ले। और तीसरा, वो नदी में से पानी पी ले। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच के बता सकते हो यह बद्री को कहाँ से पानी पीना चाहिए? यहाँ बद्री को कैक्टस की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उसमें से पानी नहीं पीना चाहिए। बिकॉज कैक्टस की कुछ प्रजाति ऐसी होती है जिसमें से जहरीला पानी निकलता है, और ये दूसरा ऑप्शन तालाब जिसका पानी स्थिर होता है, तो उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया होने के चांसेस है, तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। और यहाँ तालाब की कंपेयर में ये नदी का पानी क्लीन एंड हेल्दी होगा, बिकॉज नदी बहती रहती है, उसकी वजह से उसका पानी क्लीन रहता है। यहाँ बद्री को नदी से पानी पीना चाहिए। आप लोगों के इस पे क्या विचार है मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। बुद्धिराम के घर पे बुद्धिराम के दादा का कोई खून कर देता है, तो खून की तहकीकात के लिए पुलिस वहाँ आती है और पूछताछ करती है। तो उस टाइम पे घर पे टोटल चार लोग थे, दो काम वाली, एक कुक और बुद्धिराम की दादी। पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि उस टाइम पे आप लोग क्या कर रहे थे। पहली काम वाली बताती है, मैं तो उस टाइम पे घर की साफ सफाई कर रही थी और आज तो मैं दादाजी के रूम में भी नहीं गई। कुक बताती है, मैं तो उस टाइम पे दादी के लिए किचन में खाना पका रही थी, आप चाहो तो दादी से भी पूछ सकते हो। श्री काम वाली बाई बताती है, सर मैं तो घर के काम से बाहर गई थी और मुझे घर का लाइट बिल भी भरना था, तो वहाँ तो लंबी लाइन थी, तो मुझे तो घर आते आते ही बहुत ही देर हो गई, मुझे कुछ नहीं पता। फिर दादी कहती है, सर मैं तो उस टाइम पे डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं ये सब क्या हो गया। ऐसा कहते कहते वो रोने लगती है। इन चार की बात सुन के पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि खून किसने किया, कैसे
पुलिस कैसे समझी कि खूनी कौन है? क्या आप लोग बता सकते हो? यह खूनी ये दूसरी काम वाली बाई है। उसने बताया वो लाइट बिल भरने लंबी लाइन में खड़ी थी, लेकिन आज तो संडे है। और कौन से संडे को गवर्नमेंट ऑफिस चालू रहता है? मतलब वो झूठ बोल रही है और उसी ने खून किया है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपके सामने दो इमोजी आए हैं जिससे एक फ्रूट का नाम बनता है, वो आप लोगों को गेस करना है। ध्यान से सोचिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। फर्स्ट पिक्चर है चाबी का, जिसे इंग्लिश में की कहा जाता है, और दूसरा है वी लेटर। दोनों मिला के होते हैं कीवी, जो बहुत ही खट्टा होता है। क्या आप लोगों को ये फ्रूट पसंद है? मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। अब ये फ्रूट भी पहचानिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या आप लोग इस वाले फ्रूट को पहचान पाए? ये है वाटर का सिंबल, और ये MNL, और ये ऑन की स्विच है, तो मिला के होते हैं वाटरमेलन। अब ये फ्रूट भी पहचानिए। क्या आप लोग ये फ्रूट पहचान पाए? ये है चेर, और ये है ई का सिंबल, मिला के होता है चेरी। अब ये वाला फ्रूट भी पहचानिए। फर्स्ट वाला इमोजी है मैन का, और दूसरा वाला है गो, मिला के होता है मैंगो, जो खाने में बहुत ही बढ़िया होते हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद है। क्या आप लोगों को पसंद है? मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। आपके सामने तीन इमोजी आए हैं, उसे देख के इस वाले फ्रूट का भी नाम पहचानिए। ये फर्स्ट है स्ट्रो, दूसरा है बियर, और तीसरा है ई लेटर। तीनों मिला के होते हैं स्ट्रॉबेरी। तो दोस्तों, सारे के सारे फ्रूट्स के नाम कौन बता पाया? मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने एक लड़की आई है जो इन तीनों लड़कों में से किसी की गर्लफ्रेंड है, बद्री, बुद्धूराम एंड जीवो। तो दोस्तों, इन तीनों को और ये लड़की को देख के क्या आप लोग बता सकते हो ये लड़की किसकी गर्लफ्रेंड है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग ये लड़की का बॉयफ्रेंड ढूंढ पाए? क्या आप लोगों ने नोटिस किया, यहाँ पे ये लड़की ने जिस तरह का पेंडल पहना है, उसी तरह का पेंडल ये बुद्धूराम ने भी पहना है। तो मुझे तो लगता है ये लड़की ये बुद्धूराम की गर्लफ्रेंड होगी। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।